हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए लाते हैं एंटरटेनिंग वीडियोस हमेशा की तरह, आज भी कुछ नया लाए हैं, तो देखते हैं आज हमारे पास क्या है। तो चलिए वीडियो की तरफ। ये हमारे पास एक सिक्का है, आलू हैं, दो आलू हैं, एक सिक्का है, ये चार्जर, ये क्या पागलपन कर रहा है भाई। ओए ये चार्ज होने लगा, वाकई ना यार। जैसा कि आप सबने देखा ये आलुओं से चार्ज किया, तो ये कौन करेगा? ये कोई पागल करेगा? ये मैं करूँगा। तो आइए हम भी चल के स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास, हमने भी दो अदद आलू ले लिए हैं, ये देख रहे हैं। ये आलुओं के साथ हमारे पास ये एक चार्जर है, चार्जर के पास ये हमारे पास एक सिक्का है, जिसकी मदद से हम अपना मोबाइल चार्ज करेंगे। देखेंगे कि क्या ये वाकई होता है चार्ज या नहीं। अगर तो होता है तो वेल एंड गुड है। जितनी पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती है भाईजान, आलुओं से काम चलाएंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आलुओं में हम अब सिक्के को एंटर करेंगे। तो चलिए भाई चला जा अंदर। ओ भाई ये बड़ी मुश्किल, ये चला गया बड़ी मुश्किल से गया यार, उसने तो इतना इजीली डाल दिया था। लेकिन ये हमारे पास ट्रिक है, हम इसको इस तरह से डालेंगे। आलुओं को हमने एक फ्रेम बना लिया, आलुओं का, दो आलू इकट्ठे कर लिए। ये हम मैजिक भी कर सकते हैं वैसे, किसी को बताए बगैर। आप लोगों ने भी किसी को नहीं बताना। तो चलिए अब हम ये चार्जर को लगाएंगे आलुओं के ऊपर। आलुओं का बेड़ा गर्क कर रहे हैं हम, ताकि ये बाद में इस्तेमाल में भी ना आ सकें और घर वालों से अच्छी खासी डांट पड़ेगी, फिर भी खैर है। तो ये अब हम आलुओं पर चार्जर को लगा रहे हैं। लगाने के बाद हम देखेंगे ये चार्ज हो रहा है। तो भाई साहब मेरा मोबाइल तो चार्ज नहीं हो रहा। खैर आपको दिखाते हैं अच्छे से, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी तेज़ की हमने, तो थोड़ा हिला के देखते हैं, क्योंकि अक्सर स्विच भी हिला के देखो तो चार्ज करने लगता है, तो क्या पता हो जाए। लेकिन नहीं भाई साहब, ये तो चार्ज नहीं हो रहा। ये मुझे लग रहा उन्होंने हमें पागल बनाया। ये देखें फ्रेम अच्छा बन गया। बहरहाल मुझे ये मैजिक कर सकते हैं हम, आलुओं को जोड़ के मैजिक हम कर सकते हैं, जो मेरा तो मोबाइल चार्ज नहीं हुआ। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, मेरे हिसाब से फेल हो चुका है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।